हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल में, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का यूट्यूब पर नंबर वन चैनल है। दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वुडन चारकोल को, तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। है तो बहुत फ़ायदे की चीज़, इसीलिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। कहाँ से आपको सस्ते में मिलेगा और कौन से देशों में आप महंगा बेच सकते हैं, क्या क्वालिटी होती है इसकी, प्लस कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, यानी सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको मिलेगी। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर प्लस करियर गुरु, हमेशा आपको ऐसे ही आपके सामने प्रोडक्ट लेके आता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अगर प्रैक्टिकली सीखना है, तो याद रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बात करते हैं वुडन चारकोल की। सबसे पहले दोस्तों एक बात जानिए, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि उसके यूज़ क्या है, क्यों कस्टमर मेरा ये प्रोडक्ट मुझसे ये लेगा। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, हमारी टीम पूरी बैठती है और वो लिस्ट तैयार करती है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करती है कि कहाँ डिमांड है, कितना प्रॉफिट है और कहाँ इसका यूज़ है। तो इसका यूज़ क्या है वुडन चारकोल का? वुडन चारकोल का यूज़ होता है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ कुकिंग में यूज़ होता है, गार्डनिंग में यूज़ होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोसिव बनाने हैं आर्टिलरीज में इसका यूज़ किया जाता है, शुगर मिल्स में इसका यूज़ किया जाता है, पेंट और स्केचेस में यूज़ किया जाता है, मेटल की जितनी इंडस्ट्री है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो यानी ये मान के चलिए हर देश को इसकी ज़रूरत है और हर देश में इसकी डिमांड आपको मिलेगी। अब आते हैं बात इसकी, करते हैं क्वालिटी की। देखिए क्वालिटी में इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा रेट। और कभी भी कोई प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसकी क्वालिटी के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, अलग अलग स्टेट में वर्कशॉप चलती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सिखाते हैं, सी पोर्ट भी लेके जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज विजिट भी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर विजिट भी होती है, लाइफ टाइम सपोर्ट भी रहता है, प्लस वैल्यू एडिड क्लासेस होती हैं, जैसे बायर को कैसे फाइंड करना है, बायर कहाँ से मिलेगा, ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट कैसे करना है, प्लस प्रोडक्ट सेलेक्शन कैसे करना है। तो अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, तो वहाँ पे कॉल करिए और आप हमारा कोई भी बैच, कोई भी ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है। चलिए बात करते हैं वुडन चारकोल की। अब वुडन चारकोल की बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी की, देखिए क्वालिटी इसमें कैसे आप देखेंगे, इसमें आपको देखना है GCV, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या होती है? ये होती है, जैसे सपोज करो मैंने वुडन चारकोल को जलाया तो एक घंटे तक उसमें कितनी हीट आएगी, क्या वो एक घंटे तक जल पाएगा, यानी एक हीट और एक टाइम, ये दोनों चीज़ें मैच करनी पड़ती है। अब एक बात बताओ, अगर आपने भी वुडन चारकोल लिया, मैंने भी वुडन चारकोल लिया, मैं कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, उसको जला रहा हूँ, एक मान के चलते हैं कुकिंग की बात मान लेते हैं, सबसे आसान कुकिंग कर रहा हूँ, तो मेरा तो भैया एक घंटा चलेगा, आपका आधे घंटे में ख़त्म है, आधे घंटे बाद फिर आप वापस खरीद के दोबारा लेके आओगे तो डबल का फ़र्क पड़ गया। तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी होती है, तो इसका GCV आपको देखना बहुत जरूरी है। जब भी आप खरीदेंगे तो इसका ये पता करके खरीदें कि इसका GCV क्या है। दोस्तों अगर हम HS कोड की बात करें तो इसका HS कोड है 4402-9090। HS कोड जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको HS कोड के बारे में नहीं पता तो DGFT की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इंडियन ट्रेड पोर्टल पे भी जा सकते हैं, वहाँ आपको HS कोड की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोडक्ट का नाम डालेंगे तो भी HS कोड आ जाएगा, नॉर्मली कोड डालेंगे तो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स भी आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब सबसे बड़े अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 16 रुपये पर KG से लेकर लगभग 60 रुपये पर KG तक इसका रेट वेरी करता रहता है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो इसमें खेल बहुत ही अच्छा खेला जाता है, लोग जब कम आता है तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। एक्सपोर्ट की बात करूँ तो एक्सपोर्ट में आपको लगभग 100 से 150% ये मिनिमम मार्जिन है आपको मिलेगा, यानी अगर आपने 16 का खरीदा तो लगभग 40 रुपये तक का आराम से ईजिली बिक ही जाता है। तो ये एडवांटेज रहता है एक्सपोर्ट का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में प्रॉफिट होता है और फ़ायदा रहता है। दूसरी बात, कॉम्पिटिशन नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को क्या पता, अगर आपके आस पास के लोग हैं या आपके कॉम्पिटिटर, उनको क्या कैसे पता लगेगा कि आप कौन से देश में माल भेज रहे हैं, किस रेट पर माल भेज रहे हैं, भाई अगर मैं यहाँ बेचूंगा तो पता लग ही जाएगा ना, खुद सोचो। तो फिर इसीलिए कंपटीशन हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कौन से देशों में मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ, यानी मेजर इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, कौन से देश सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं। वो है जापान, जो कि लगभग $110 मिलियन का ये इंपोर्ट करा रहा है। उसके बाद आता है जर्मनी, जो कि $104 मिलियन का इंपोर्ट करा रहा है।
फिर है साउथ कोरिया जो कि लगभग 88 US मिलियन डॉलर का इम्पोर्ट करा रहा है। उसके बाद है USA अमेरिका यानी 86 मिलियन US डॉलर का ये इम्पोर्ट करा रहा है। फिर सऊदी अरेबिया को टारगेट कर सकते हैं, वो भी 75 US मिलियन का इम्पोर्ट करा रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, यानी कौन से देश हमारे कॉम्पिटिटर अगर बनेंगे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 283 मिलियन US डॉलर का ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, और दूसरे नंबर पे इंडिया ही आता है, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे चाइना आता है जो कि 116 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। फिर आता है पोलैंड जो कि 115 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद आता है वियतनाम जो कि 73 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों मुझे ये सस्ता कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश से आपको सस्ता मिल जाएगा, तमिलनाडु से आपको सस्ता मिल जाएगा, और गुजरात से आपको ये बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, तो अगर आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जाके RCMC लेनी है, मेंबरशिप लेनी है, तो फीओ के लीजिए, इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये था पूरा वुडन चारकोल का प्रोसेस। अगर मैं ये भी बता देता हूँ क्या क्या मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, देखिए सबसे पहले तो आपकी फर्म होनी चाहिए, GST नंबर होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, करंट अकाउंट वगैरह सब होना चाहिए, AD कोड होना चाहिए आपके पास, प्लस साथ के साथ जब भी आप काम करें LC वगैरह पेमेंट टर्म्स की सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कमर्शियल इनवॉइस बनाना आना चाहिए, प्रोफॉर्मा इनवॉइस की नॉलेज होनी चाहिए, परचेज ऑर्डर की नॉलेज होनी चाहिए, LOI लेटर ऑफ इंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, पैकिंग लिस्ट हो गया, आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन हो गया, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, बिल ऑफ एंट्री, यानी बहुत से डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ बिना सीखे इस काम को बिल्कुल मत करिएगा। लॉजिस्टिक और शिपिंग के बारे में भी आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो दोस्तों बिना सीखे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिल्कुल मत करिएगा, सीखते रहिए, आते रहिए, वीडियो देखते रहिए, कोई सजेशन है तो ज़रूर टाइप करें, प्लस अगर कोई चीज़ रह गई है तो ये भी हमें बताएं। किसी चीज़ के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, बायर के ऊपर, आप किसी भी तरीके का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बात और, टेलीग्राम का चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन करिए, बायर सेलर मीट होता है, सारे मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स वहीं पे रहते हैं, आपस में आप बात कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट दिखा भी सकते हैं, उनका प्रोडक्ट देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सामने जो है ये 20 फुट LCL कार्गो है, ये एक एक करके अलग अलग प्रोडक्ट है इसके अंदर। इधर आ, ये देखो ये फॉक्स से सारा भरा जा रहा है अलग अलग। आपने पूरा कंटेनर बुक कराया लेकिन कुछ स्पेस रह गया, अभी हमने देखे अंदर बॉक्सेस भरे जा रहे थे, अब क्या है अगर कंटेनर पे स्पेस रह गया, और आपने देखा वहाँ से क्रेन उठा रही है, मतलब जो वेजिटेबल्स हैं या नट बोल्ट्स हैं वो उसके लिए पैलेट्स बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बनाते हैं पैलेट। और ये जो आपका एशिया का बिगेस्ट ड्राई पोर्ट है, ठीक है, ये 1989 में इसको किया गया था, लेकिन 1993 में यहाँ पे प्रगति मदद से शिफ्ट हुआ था। Oh, 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 oh